तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सब लोग उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपको माइनक्राफ्ट को पॉकेट एडिशन को जावा एडिशन में आपको कन्वर्ट करके दिखाऊंगा कैसे आपको कन्वर्ट करना है पूरा जावा एडिशन में पॉकेट एडिशन को। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। तो गाइस पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर डाउनलोडिंग प्रोसेस बताऊंगा। तो गाइस देख ही सकते हो यहाँ पर जनरेटिंग वर्ड वैसे ही हो रहा है जैसे जावा में होता है जनरेट। देख लो सारा वैसे ही हो रहा है प्रोसेस ये। तो गाइस स्किप मत करना ये वीडियो को, क्योंकि ये बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, और अगर आप स्किप कर दोगे तो आपका ये प्रोसेस काम नहीं करेगा। तो गाइस देख ही सकते हो जावा के जैसे फुली हो रहा है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ सारा, फिर आपको डाउनलोडिंग प्रोसेस बताऊँगा। तो गाइस देख ही सकते हो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। अगर आपको ये जो शेडर पैक है ये चाहिए आपको, फिर आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, मैंने वीडियो डाली हुई है। बहुत अच्छा शेडर पैक है, वही वाले मैं वर्ड में आ चुका हूँ जो आपको मैंने शेडर पैक दिखाया था। अगर जिसने देखा हुआ है वो तो उनको तो पता चल गया होगा, जिन्होंने नहीं देखा हुआ जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ मैंने। बहुत अच्छा शेडर है ये। तो गाइस देख ही सकते हो कितना बढ़िया यहाँ पर लग रहा है। और इसमें कुछ ऐड ऑन भी हुए हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। पहले मैं आपको सर्वाइवल में पहले जाके दिखा देता हूँ। देख ही सकते हो मैं यहाँ पर सर्वाइवल में आ चुका हूँ, और मैंने थोड़े से शेडर चेंज कर दिए हैं, RTX लगा दिए हैं। और मैं आपको यहाँ पर तोड़ के भी दिखा देता हूँ। अगर आपको ये वाला भी RTX का शेडर चाहिए तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको ये भी दे दूँगा RTX का शेडर, वीडियो बना के दे दूँगा आपको। वहाँ पर आपको प्रोसेस भी बता दूँगा कैसे कैसे आपको इंस्टॉल करना है ये RTX शेडर। कमेंट करके बता देना आप अगर चाहिए तो। तो वैसे मैं आपको वुड तोड़ के दिखा देता हूँ पहले तो। तो वैसे ये यहाँ पर बहुत सारा कुछ ऐड ऑन हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएंगे आपको, जैसे यहाँ पर आपको फीडबैक का भी ऑप्शन मिल जाएगा, प्रोफाइल का भी मिल जाएगा, ऑप्शन का भी मिल जाएगा। अगर आपका वाईफाई ऑन है तो आप इनवाइट भी कर सकते हो अपने दोस्तों को। यहाँ पर मेरा वाईफाई ऑन नहीं है इसलिए मैं इनवाइट नहीं कर सकता। तो गाइस ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या क्या है। तो गाइस देख ही सकते हो यहाँ पर आप डिफ़िकल्टी मैंने पीसफुल की हुई, आप कुछ भी कर सकते हो, नॉर्मल, इजी, हार्ड, कुछ भी कर सकते हो आप। तो यहाँ पर मेरे जो कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पर हैं, तो मेरी यहाँ पर प्रोफाइल आ जाएगी। यहाँ पर आपको डन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप वीडियो भी चेंज कर सकते हो। देख ही सकते हो यहाँ पर फुल स्क्रीन ऑफ है, ऑन भी कर सकते हो आप, कुछ भी, सारा कुछ ऐसे ही जावा एडिशन जैसे ही है। यहाँ पर आप चंक्स भी ज़्यादा और कम कर सकते हो, वैसे मैं ज़्यादा कर लेता हूँ। और आपको यहाँ पर ग्राफिक्स भी मिल जाएंगे, आप फैंसी रखना वैसे तो बहुत अच्छे रहेंगे आपके। और यहाँ पर आपको रीडर क्लाउड्स मैं ऑफ कर देता हूँ, वैसे ही आपको मिल जाएंगे। और देख ही सकते हो यहाँ पर ग्राफिक्स फास्ट हो चुके हैं, मैंने फास्ट कर दिए थे। और देखो इंटरफेस ही सारा चेंज हो चुका है। और आपको मैं फिर से दूसरे ग्राफिक्स, फैंसी ग्राफिक्स ले लेता हूँ। और आप देख ही सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ पर। और आप रीडर क्लाउड्स को ऑन ऑफ भी कर सकते हो, मैं वैसे ऑफ कर देता हूँ। और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, एडवांस का भी ऑप्शन मिल जाता है आपको। यहाँ पर आपको स्किन्स का भी ऑप्शन मिल जाता है, और लीव्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। और देख ही सकते हो कितने बढ़िया बढ़िया ऑप्शन आपको सारे जावा एडिशन जैसे ही मिल जाते हैं। और गाइस आपको कीबोर्ड एंड माउस भी मिल जाता है। अगर आप मोबाइल में कीबोर्ड लगा के खेलोगे तो आप यहाँ पर कुछ भी चेंज कर सकते हो, वैसे तो इसका कोई काम नहीं है वैसे। और आप कंट्रोल्स भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो सारे कंट्रोल्स हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक टच का भी ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे आपको हमारे पॉकेट एडिशन में सेटिंग्स में जाना चाहता था आप सीधे यहाँ पर आ सकते हो। यहाँ पर सब प्लेट कंट्रोल्स ऑन ऑफ कर सकते हो आराम से। और यहाँ पर आप इनवाइटली सारा कुछ डिस्ट्रॉय, वाइब्रेट, ऐसे सारा कुछ कर सकते हो। सेंसिविटी भी आप कर सकते हो ठीक ठाक। और देख ही सकते हो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ बैक टू गेम, और मैं ऊपर चले जाता हूँ अब। तो देख ही सकते हो कितना बढ़िया है यहाँ पर, पूरा जावा एडिशन जैसे ही आपको दिख जाएगा यहाँ पर। वो देखो मैंने ग्राफिक्स चेंज किए हैं,
और गाइस आपको मैं आयरन कॉलम को भी दिखा देता हूँ, पूरा आयरन कॉलम आप रिपेयर भी कर सकते हो यहाँ पर। तो गाइस देख ही सकते हो ये रिपेयर हो भी रहा है, तो गाइस देख ही सकते हो यहाँ पर ये रिपेयर हो रहा है। तो गाइस अब चलते हैं डाउनलोडिंग प्रोसेस की ओर। तो गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में चार लिंक मिलेंगे और चारों लिंकों को आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। आप पूरा प्रोसेस देख लो पहले डाउनलोडिंग का, फिर आपका वर्क करेगा, नहीं तो आपका वर्क नहीं करेगा। आपका वीडियो अगर आप देख रहे हो तो फुल देखना वीडियो को, तो गाइस फिर आपको डाउनलोड कर लेना है ये सभी को। तो मैं फर्स्ट लिंक को जैसे मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, फिर आपको क्या करना है सेकेंड लिंक को भी डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे मैं कर रहा हूँ आपको भी वैसे ही करना है, और आपको फिर थर्ड लिंक को भी डाउनलोड कर लेना है। आपको चार लिंक मिलेंगे और चारों को भी आपको डाउनलोड करना है। तो गाइस आपको फोर्थ लिंक को भी फिर डाउनलोड कर लेना है। जब सारे लिंक आपके डाउनलोड हो जाएंगे फिर आपको क्या करना है, फिर आपको डाउनलोड यहाँ पर थ्री डॉट पर चले जाना है। अगर आप क्रोम ब्राउज़र में हो तो थ्री डॉट आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपको जाना है और डाउनलोड्स पे चले जाना है। और डाउनलोड्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पर चार दिख जाएंगे और मेरा एक और हो रहा है अभी। फिर आपको क्या करना है यहाँ पर पहले आपको सभी को हो लेने देना है डाउनलोड, फिर ही आपको कुछ करना है, वैसे पहले आपको कुछ नहीं करना है। तो गाइस डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना है, जो आपको ये जावा एड ऑन जो आपको दिख रहा है जो लास्ट नंबर पे है VDX जावा UI के नाम से है, इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ओपन विथ माइनक्राफ्ट आ जाएगा, और आपको ओपन विथ माइनक्राफ्ट में कर लेना है। तो गाइस यहाँ पर आपको माइनक्राफ्ट को ओपन करने के बाद जो इंपोर्टेड स्टार्टेड हो चुका है मेरा लेवल इंपोर्टेड स्टार्टेड, जब तक सक्सेसफुली ना हो या आपको यहाँ पर क्लिक नहीं करना है किसी के ऊपर, फिर आपको क्या करना है सक्सेसफुली होने के बाद आपको प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। और प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा जो लास्ट में देख पा रहे हो, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो गाइस यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद आपको जो लेफ्ट साइड में यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको ग्लोबल रिसोर्सेज के नाम से होगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद आपको माई पैक्स के ऊपर क्लिक करना है। तो इस माई पैक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा VDX जावा UI अपडेट 1 ऐसा कुछ आ जाएगा, इसको आपको एक्टिवेट कर देना है। तो गाइस मेरा एक्टिवेट हो चुका है, फिर आपको जो ये एरो दिख रहा है लेफ्ट साइड के ऊपर की तरफ, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर लोडिंग रिसोर्सेज पैक होएगा थोड़ी सी देर तक। तो गाइस होने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर फुल यहाँ पर आ चुका है। फिर आपको क्या करना है यहाँ पर आपको तो देख ही सकते हो यहाँ पर सारा जावा एडिशन जैसे ही आ चुका है। फिर आपको बैक चले जाना है यहाँ पर आपको, फिर आप देख ही सकते हो पूरा यहाँ पर माइनक्राफ्ट जावा एडिशन जैसे ही हो चुका है। देख ही सकते हो यहाँ पर प्ले गेम भी कर सकते हो आप। तो गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ पहले करके प्ले गेम। तो गाइस देख ही सकते हो यहाँ पर सारे वर्ल्ड वैसे ही आ चुके हैं, और गाइस आप यहाँ पर न्यू वर्ल्ड भी क्रिएट कर सकते हो। देख सकते हो न्यू वर्ल्ड भी आप क्रिएट कर सकते हो यहाँ पर क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करके। तो गाइस फिर आपको क्या करना है, फिर आपको कोई और, फिर आपको जो दूसरे आपको डाउनलोड किए थे आपको वहाँ पर चले जाना है आपको, फिर आपको बैक चले जाना है यहाँ पर, और आपको इसको एग्जिट कर लेना है माइनक्राफ्ट को। जावा एड ऑन ऑन कॉन्सेप्ट बैक एड ऑन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर आपको क्लिक करने के बाद आपको फिर से माइनक्राफ्ट को ओपन विथ कर लेना है। तो गाइस मेरी माइनक्राफ्ट ओपन हो चुकी है। फिर आपको क्या करना है जावा एडिशन में आने के बाद आपका जो जब आपका सक्सेसफुली इंपोर्टेड हो जाएगा ये जावा एड ऑन, फिर आपको क्या करना है यहाँ पर आपको ऑप्शन का ऑप्शन दिख जाएगा आपको, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो गाइस थोड़ी सी लोडिंग लेगा ये वैसे तो जब जावा में आप आ जाओगे।
तो गाइस उसके बाद आपको अगर नहीं यहाँ पर आपको रिसोर्सेज पैक पे आ जाना, रिसोर्सेज पैक पे आने के बाद आपको अगर नहीं यहाँ पर आपको बहुत सारे पैक्स दिख जाएंगे जो आपका ये जावा एडोन का फर्स्ट नंबर पे लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है, वहाँ पर आपको क्लिक करके इसको भी कर लेना है एक्टिवेट। देख सकते हो यहाँ पर आपको एक्टिवेट कर लेना है, देख सकते हो ये तीन जो है सिलेक्टेड में हो चुके हैं। फिर आपको डन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो गाइस क्लिक करने के बाद फिर आपका रिसोर्सिंग पैक जो लोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस लोडिंग होने के बाद फिर से आपको क्विट गेम कर लेना है। तो गाइस क्विट गेम करने के बाद जो सेकंड नंबर पे आ रहा है विजिबिलिटी टॉर्च कंट्रोल्स के नाम से आ रहा है, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो गाइस क्लिक करने के बाद आपको सिंपली से फिर से माइनक्राफ्ट को ओपन कर लेना है यहाँ पर। तो गाइस फिर से लेवल इंपोर्ट स्टार्टेड हो चुका है और सक्सेसफुली भी हो चुका है। फिर आपको फिर से ऑप्शन पे चले जाना है और ऑप्शन पे जाने के बाद आपका लोडिंग लेगा थोड़ी सी ये। तो गाइस लोडिंग लेने के बाद फिर से आपको रिसोर्सेज पैक पे आ जाना है। रिसोर्सेज पैक पे आने के बाद तो गाइस रिसोर्सेज पैक पे आने के बाद आपको फर्स्ट नंबर फिर से मिल जाएगा आपको ई विजिबल टॉर्च कंट्रोल्स ऐसा कुछ मिल जाएगा। आपको सिंपली से उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर एरो का जो आपको साइन दिख रहा है उसके ऊपर फिर से क्लिक कर देना है। सिंपली से आपको डबल टैप भी करना है, फिर से आपको डन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो फिर उसके बाद क्विट कर देना फिर से आपकी गेम ने। फिर आपको ये MCB अचीवमेंट्स का जो यहाँ पर दिख रहा है फर्स्ट नंबर पे उसके ऊपर भी आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका फिर ओपन विथ तो फिर से आपका माइनक्राफ्ट आ जाएगा, यहाँ पर आपको फिर से क्लिक कर देना है। तो गाइस सारा प्रोसेस वैसे ही है, फिर से आपको ऑप्शन पे चले आना है जब सक्सेसफुली हो जाएगा। ये मेरा फेल्ड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने पहले से ही इसको कर चुका हूँ मैं यहाँ पर डाउनलोड, इसलिए ये फेल्ड दिखा रहा है MCB अचीवमेंट्स का। तो गाइस सारा आपका ऑलमोस्ट काम डन हो चुका है। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिसने नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब। हमारे 300 सब्सक्राइबर होने वाले हैं तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।